आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने सरकार से जुड़े हर एक मंत्री को जनता से सीधे जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। योगी ने अपने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो 5 दिन अपने क्षेत्र में रहें और जनता की हर एक समस्या का समाधान करें। योगी ने अपने मंत्रियों को सिर्फ 2 दिन लखनऊ में रहने को कहा है। 1.5 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने गढ़ उत्तर प्रदेश को बचाए रखने के लिए यह रणनीति अपनाई गई है। यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समेत सभी मंत्री जगह जगह औचक निरीक्षण कर अपने विभागों को पटरी पर लाने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आगरा, बृजेश पाठक को वाराणसी, सूर्य प्रताप शाही को मेरठ, स्वतंत्र देव सिंह मुरादाबाद, बेबी रानी मौर्य को झांसी, धर्मपाल सिंह को गोरखपुर, नंदगोपाल गुप्ता नंदी को बरेली, भूपेंद्र चौधरी को मिर्जापुर, अनिल राजभर को प्रयागराज और जितिन प्रसाद को कानपुर, अरविंद शर्मा को अयोध्या, योगेश उपाध्याय को सहारनपुर, संजय निषाद को आजमगढ़, आशीष पटेल को बस्ती, जयवीर सिंह को चित्रकूट, सुरेश खन्ना को लखनऊ, लक्ष्मी नारायण चौधरी को अलीगढ़ और राकेश सचान को देवीपाटन मंडल की जिम्मेदारी सौंपी है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर शुरू हुए विवाद पर अब बसपा चीफ मायावती की तरफ से भी बयान सामने आया है। मायावती ने इसे एक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि ये लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की एक सोची समझी साजिश है। साथ ही उन्होंने लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील भी करी है। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। मीडिया बंधुओं, बीएसपी का ये मानना है और कहना भी है कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व आसमान छू रही महंगाई आदि पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुन कर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं और अब आज़ादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोर ही होगा। मीडिया बंधुओं, बीएसपी वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को प्रशासन ने 9 ताले लगाकर सील कर दिया है। इसके साथ ही वजूखाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंप दी गई है। सीआरपीएफ के 2 जवान 24 घंटे सील किए गए वजूखाने की रखवाली करेंगे। सीआरपीएफ के दोनों जवानों की ड्यूटी शिफ्ट के हिसाब से 24 घंटे लगाई गई है, यानी शिफ्ट में 2-2 जवान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है। वाराणसी प्रशासन के मुताबिक वजू के उस स्थान पर छोटा सरोवर है जिसे सील कर दिया गया है, क्योंकि ये इलाका पहले से लोहे के बैरिकेड और जालों से घिरा हुआ है। ये वही स्थान है जहां हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वजूखाने में शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा मिला है। अलीगढ़ से सपा नेता रुबीना खानम ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय मुसलमान शांति प्रिय है और उनमें विश्वास रखने वाला भी है, और वैसे भी किसी दूसरे धर्म की आस्था को कुचलकर या बलपूर्वक मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करना इस्लाम में गलत है, और अगर सबूतों के साथ साबित हो जाता है तो मुसलमान समाज खुद से मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करके हिंदू भाइयों को ज्ञानवापी की जमीन लौटाकर गंगा जमुनी संस्कृत की मिसाल पेश करेंगे।
ये कहना चाहती हूँ अपने धर्म गुरुओं से कि हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहां पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। गाजियाबाद के मोदी नगर में शत्रु संपत्ति मामले की समस्या शांत नहीं हो रही है। वहीं अब सीकरी खुर्द गांव के सैकड़ों लोग मोदी नगर तहसील परिसर पहुंचे और तंबू लगाकर धरने पर बैठ गए हैं, जिसके बाद उपजिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला ने 5 लोगों को बुलाकर धरना प्रदर्शन ना करने की सलाह दी है। 1800 बीघा जमीन शत्रु संपत्ति घोषित की गई है और ये तमाम अधिकारियों को भी पता है, ऊपर तक सब लोगों को इस बारे में जानकारी हो गई है कि ये बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने इसको शत्रु संपत्ति घोषित किया है, जिसकी मांग को लेकर हम अब से 20 दिन पहले भी यहाँ तहसील में आए थे। इन लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच कराएंगे और हम भी यही चाहते हैं कि जो गलत तरीके से ये घोषित हुई है उसकी पुनः एक बार जांच हो जाए। खबर मैनपुरी से है, जहां पर मुखबिर की तरफ से पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग कस्बा कुरावली में एक दुकान के अंदर आईपीएल का सट्टा करा रहे हैं और कई दिनों से आईपीएल क्रिकेट मैचों में काफी लोग बड़ी रकम लगाकर सट्टे का कारोबार करते हैं। एसआरएच और एमआई की टीम के बीच खेले जाने वाले मैच में सट्टा खेला जाएगा। इस सूचना पर भरोसा करते हुए पुलिस टीम की ओर से अमन गुप्ता की दुकान पर 6 लोग आईपीएल मैच का सट्टा लगाते हुए पाए गए। वहीं पुलिस ने घेराबंदी कर 6 लोगों को से पकड़ लिया है। 6 आईपीएल में सट्टा लगाते हुए और बाकायदे उसके पर्चियां मिली हैं, इसमें 6 मोबाइल फोन्स हैं, कंप्यूटर स्क्रीन, जो टीवी है, साथ में बैटरी और चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें मिली हैं और कैश करीब 13,000 के लगभग का कैश है। इनके बैंक अकाउंट्स भी हम लोग चेक करेंगे और उस आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में किन्नर समाज की ओर से एसएसपी कार्यालय पर पक्षियों को पानी पिलाने के लिए कुंडो रखवाए गए और वहीं किन्नर समाज ने एसएसपी कार्यालय के चारों ओर लगी दीवार पर मिट्टी के कुंडे भी रखवाए, जिसको लेकर पुलिस महकमे ने किन्नर समाज की तारीफ की है। हम लोग यहाँ कुंडे रखने आए थे, पानी पिलाओ, पंछी बचाओ, हम लोग दुनिया सबके लिए दुआ करते हैं, तो इन पक्षियों को क्यों भूलना, इन पक्षियों के लिए भी पानी पीने के लिए तरसते रहते हैं। कितनी मौतें हो रही हैं, कितने टावर लगने से उनकी मौतें हो रही हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा, कुछ खाने को नहीं मिल रहा, इसलिए हम ये कुंडे रखने का प्रोग्राम करते हैं और ये हर गर्मी को चवन्नी माई के द्वारा सारे समस्त किन्नर ये कुंडे रखे जाते हैं। करा हमने पानी भर के कुंडे रखे हैं चिड़िया पंछियों के लिए, गर्मी पड़ रही है और चिड़ियों के लिए पंछियों के लिए पानी की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग 2 महीने से के जब से गर्मी चालू होती है तो ये करते हैं जगह जगह। रायबरेली में एक युवती ने नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे नदी से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज सुबह करीब लगभग 8:30 बजे सूचना मिली कि गाँव रोड के किनारे बने हुए ट्यूबवेल के कोठरी से बदबू आ रही है। ये सूचना पर तत्काल चौकी इंचार्ज नरपतगंज, इंस्पेक्टर लालगंज, मैं स्वयं मौके पर आया, उस दरवाजे को तोड़ खोल करके उसमें देखा गया तो एक बॉडी लटकी हुई थी, जिसका ट्यूबवेल था उसको बुलवाया गया तो उन्होंने पहचान किया कि मेरे भाई सुशील की बॉडी है, जिसके बाद फोरेंसिक टीम को बुलवा करके वैधानिक कार्रवाई करते हुए पीएम की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ के जयपुरिया स्कूल में संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी का आयोजन जयपुरिया के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी ने किया है और जिसका लक्ष्य विकास लक्ष्यों पर काम कर रहे एनजीओ को एक मंच देना है। इस संगोष्ठी के प्रथम चरण में 9 संगठनों ने अपने कार्यों और लक्ष्यों पर चर्चा की। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन मौके पर मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम का समापन अध्यक्ष डॉक्टर रीना अग्रवाल ने किया।
तो अभी हम लोग आए हैं जयपुरिया इंस्टीट्यूट, जहाँ पर 9 फाउंडेशंस हैं। वहाँ उन्हीं फाउंडेशंस में से रॉबिन हुड फाउंडेशन है। तो अभी हम बात करेंगे रॉबिन हुड फाउंडेशन के वॉलेंटियर से और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे आज रहा है और उनके फाउंडेशन से क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसे काम करते हैं ये लोग, आइए जानते हैं। एक्चुअली इंडिया जो है एक ये सरप्लस फूड वाला कंट्री है, जहाँ पे फूड बहुत ज़्यादा होता है बट उसका वेस्टेज बहुत होता है। अप्रॉक्स 40% फूड ऐसा होता है जो कुक्ड फूड जो है जो डस्टबिन में जाता है। तो हम लोगों ने ये ट्राई किया है कि वो जो सरप्लस फूड होता है और कुछ ऐसे अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, तो हमने वो जो गैप है उसको ब्रिज करने का कोशिश किया है। तो हम लोग होटल से, शादी ब्याह से, सारे ऐसे फेस्टिवल जहाँ पे भी होते हैं वहाँ से जो फ्रेश सरप्लस फूड होता है जो सर्व नहीं होता है वो कलेक्ट करते हैं और स्लम्स में और लेबर्स को और ऐसे जो भी अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं उनको सर्व करते हैं। तो ऐसे स्टार्ट किया था धीरे धीरे। अभी करंटली हम लोग 304 सिटीज़ में हैं और लगभग करीब 12 कंट्रीज़ में हैं और अभी तक हम लोग लगभग करीब 95 मिलियन लोगों को फूड जो है वो सर्व कर चुके हैं। तो आप लोगों को किस तरह से हेल्प मिलती है, मतलब आप लोग गवर्नमेंट से हेल्प लेते हैं या फिर खुद ही सब कुछ अरेंज करते हैं? नहीं, हमें हेल्प, हम लोगों से, इंडिविजुअल से हेल्प मांगते हैं क्योंकि हमारे 3 कोर प्रिंसिपल्स हैं। हमारा एक ये जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा कोई अकाउंट नहीं है, हम किसी से कोई फंड रेज नहीं करते हैं और ये टोटली ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर कुछ नहीं होता है और यहाँ पर किसी भी रिलीजियस बेस्ड एक्टिविटी नहीं होती है। तो हम लोगों से, पार्टनर से, इन लोगों से अपील करते हैं और वो लोग हमको सपोर्ट करते हैं। जैसे जयपुरिया बहुत सपोर्ट करता है, इनके स्टूडेंट एज ए वॉलंटियर हमको ज्वाइन करते हैं हमारे फील्ड में लोगों को फूड सर्व करने के लिए और लोग अपने घरों का, अपने सोसाइटीज़ का, अपने बर्थडे, अपने मैरिज, शादी के बचे हुए खाने को के लिए हम लोग को कॉल करते हैं, हम लोग पिक करते हैं और उसको लेकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज के इस इवेंट का मेन मकसद ये था कि एजुकेशन और वो सारी चीज़ों को लेकर जो मेन मकसद था, और रॉबिन हुड आर्मी भी एजुकेशन पर काफ़ी सारा काम कर रही है। आर्मी का आपने सुना, सर ने भी बताया फूड के बारे में, हम लोग एजुकेशन में उन गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। हमारे पास कोई ऐसे सेट क्लासरूम्स नहीं होते हैं, बस जहाँ पे हमको जगह मिलती है वहीं उन बच्चों को इकट्ठा करके स्टार्ट कर देते हैं एजुकेशन। एंड करेंटली अभी हम इस तरीके से करते हुए 163 सिटीज़ में ऑल ओवर इंडिया वर्क कर रहे हैं और अभी इन प्रोसेस हैं। हम लोग भी वही सेम जीरो फंड है, हम लोग लोगों से डोनेशन लेके स्टेशनरी एंड वो सारी चीज़ बच्चों को बांटते हैं। इस तरीके से उनकी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और आज का इवेंट तो बहुत बढ़िया था कि इसे कई लोगों से मिलने का मौका भी मिला और कई चीज़ें जानने का मौका मिला कि किस किस फील्ड में कैसे कैसे हम और कुछ कर सकते हैं, अपने एजुकेशन के फील्ड में हम क्या कर कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जितने भी गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओज हैं उन सबको इकट्ठा किया गया और इसके संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत जयपुरिया इंस्टीट्यूट का कहना है कि वो जितने भी एनजीओज हैं उनमें अपने तरीके से मदद करेंगे और जो भी जितने भी संगोष्ठी की गई है, जितने भी एनजीओ हैं वो सब अपने अपने कार्य के बारे में बताएंगे और जयपुरिया इंस्टीट्यूट उनकी इन सब चीज़ों में उनकी मदद करेगा। कैमरामैन शुभम के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। नगर पंचायत की है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष श्वेता सिंह ने अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह और समस्त स्टाफ के साथ मिलकर 2 मृत कर्मचारियों के पत्नियों को 10,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता की। दरअसल कुछ सालों पहले सेफ्टी टैंक की सफाई करते हुए दोनों सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई थी। वहीं श्वेता सिंह का कहना है कि इस घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने दोनों पत्नियों को बुलाया और उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही उन्होंने नगर पंचायत के सारे स्टाफ को धन्यवाद भी किया। यहाँ से 2 कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मृत्यु हुई थी जी। तो जब मैं यहाँ पे आई मेरे संज्ञान में यह प्रकरण आया जी। तो इन लोगों को जो भी शासन से आर्थिक सहायता मिलती है 10,00,000 रुपए की, वो हम लोगों ने, सभी लोगों ने टीम वर्क के साथ मिलकर प्रयास करके सब वरासत वगैरह बनवा के किया और अभी मार्च में इन लोगों का पैसा भी आ गया है, 10,00,000 रुपये सोनी और रुकमणी दोनों लोगों के अकाउंट में पैसा आ गया। टैंक में खत्म हो, कब खत्म हुए थे? 2013 में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैम को पता चला तो उसको सहायक से हम लोगों को 10,00,000 रुपये मिला सरकार से। 10,00,000 रुपये मिला। लड़की की शादी हमने धूमधाम से की। लड़की की शादी धूमधाम से की। क्या कहना चाहती मैम के लिए? धन्यवाद कहना चाहते हैं। हमारे साथ घटना यह हुआ कि हमारे पति सुबह टैंक में खत्म हो गए। कब खत्म हुए थे?
2013 में उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैम आई है जब, तो बहुत सहयोग की है, तो उसके बाद में हम लोग को पैसा दिलाया है। कितना पैसा दिलाया? 10 लाख रुपए दिलाया है। क्या कहना चाहती मैम के लिए? मैम को धन्यवाद कहना चाहती हूं। धन्यवाद कहना चाहते हैं। और मैम के साथ सहयोग में आपके कौन कौन सहयोग किए? धन्यवाद। खबर कानपुर से है, जहां 7 साल से नाबालिग बच्ची को बंधक बनाकर जबरन काम करवाया जा रहा है, जिससे परेशान होकर बच्ची ने छत से कूदने की कोशिश की। बच्ची का कहना है कि कई साल से बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा था और माता पिता से भी नहीं मिलने दिया जा रहा था, जिसके बाद बच्ची ने अपार्टमेंट से भागने की कोशिश भी की। बता दें कि ये सारा मामला चकेरी थाना क्षेत्र के श्याम नगर का है। अलीगढ़ के गोंडा क्षेत्र के एक गांव में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है और युवती की मां ने फतेहगढ़ पीएसी में तैनात एक सिपाही और उसके एक साथी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार सिपाही ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर युवती का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देता था। देखिए, थाना गोंडा क्षेत्र में ये दिनांक 16 तारीख को एक ये थाने पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें एक महिला द्वारा एक दो व्यक्तियों पर यह आरोप लगाया गया कि उसके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया और साथ ही अन्य धाराओं में आरोप लगे थे। तो तुरंत ही इसमें FIR पंजीकृत कर ली गई और जांच के दौरान यह आया कि उनमें से एक जो व्यक्ति है वो PAC में 2018 वर्ष में भर्ती हुआ था और उसको उसके ड्यूटी स्थल से टीम द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और जो दूसरा आरोपी है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है और दोनों का जो उचित धाराएं हैं उनमें रिमांड करा दिया गया। खबर रायबरेली से है, जहां उत्तर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, इसे लेकर जिला पुलिस ने अनोखी पहल की है। जिला पुलिस ने आम लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के अलावा स्कूली बच्चों को भी इसे लेकर जानकारी दी। पुलिस का मानना है कि स्कूली बच्चों को जानकारी देकर उनके पूरे परिवार को जागरूक बनाया जा सकता है। इस दौरान SO ने बच्चों से ये भी वादा लिया कि वो अपने परिवार को और परिजनों को और पड़ोसियों को सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों की जानकारी देते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए कहेंगे। क्या नाम है आपका? ऋतु अग्निहोत्री। क्या उद्देश्य था इन बच्चों को यहाँ थाने को? सर, अभी कुछ सड़क सुरक्षा का वो सप्ताह चल रहा है, उसी से रिलेटेड हमारे स्कूल को जागरूक कराने के, उनके बच्चों को जागरूकता फैलाने के लिए कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सके, इसलिए हमारे स्कूल के ग्रीन ग्लोब पब्लिक स्कूल के नियरेस्ट थाना पुलिस स्टेशन में आके हमारी सर से एक कुछ जानकारियाँ प्राप्त करी हैं कि यहाँ वर्किंग कैसे होती है, प्लस सड़क की सुरक्षा कैसे की जाए, कैसे ट्रैफिक रूल्स का पालन किया जाए, कहाँ पे कैसे चला जाए, कैसे अपने आप को सेफ किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। लखनऊ में गुड वर्कर ऐप लॉन्च इवेंट का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम का आयोजन होटल कंफर्ट इन में किया गया था। आपको बता दें कि गुड वर्कर ऐप एक जॉब मैचिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य भारत के ब्लू कॉलर श्रमिकों के जीवन को बदलना है। वहीं इवेंट के दौरान अलग अलग सेक्टर्स की 10 कंपनियां मौजूद थी। इस ऐप के जरिए लोग सीधे कंपनी के HR से बात कर नौकरी पा सकते हैं। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।